गुड इवनिंग स्टूडेंट, हम लोग वाक्य संशोधन पढ़ रहे हैं चैप्टर 21 हिंदी व्याकरण का। 1 से 21 तक हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था और आज हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। आप ताजी भैंस का दूध पीजिए। भैंस ताजी होती है क्या कि दूध ताजी होती है? आप भैंस का ताजा दूध पीजिए। भैंस ताजी और बासी नहीं होती है, दूध ताजा बासी होता है। सारे देश में तहलका मच गया। देश भर में तहलका मच गया। सारे देश यानी बहुत सारे देश जितने मिलकर के होते वो सारा देश कहलाते हैं, लेकिन देश भर में यानी पूरे देश में। देखो वह लोग आ रहे हैं। रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग देखो नहीं, देखिए बोलते हैं। देखिए वे लोग आ रहे हैं। मेले में बहुत लोगों की भीड़ होती है। मेले में बहुत भीड़ होती है, लोग से ही ना भीड़ होती है। एक चम्मच दूध में चीनी डालो। दूध में एक चम्मच चीनी डालो, अर्थ संबंधी अशुद्धि। मेरा दो भाई खेल रहा है। दो बहुवचन शब्द हुआ, मेरे दो भाई खेल रहे हैं। वीना ने 6 केला खरीदा। वीना ने 6 केले खरीदे, वचन संबंधी अशुद्धि। चलती गाड़ी से मत उतरो। गाड़ी स्त्रीलिंग होती है, चलती गाड़ी से मत उतरो। यह बिस्तर बहुत आराम से है। यह बिस्तर बहुत आरामदायक है। आराम से नहीं होकर आरामदायक, जिससे हमें आराम मिलता है। मेरा काम जल्दी जल्दी करियो। आजकल की भाषा हो गई ना, करियो खेलियो। मेरा काम जल्दी जल्दी करो। कितनी सुंदर उपवन है। कितना सुंदर उपवन है। हत्या करने वालों को मृत्यु दंड की सजा मिलनी चाहिए। हत्या करने वालों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मृत्यु दंड, यहाँ पे दंड का अर्थ होता ही है सजा, मृत्यु की सजा। इसलिए अलग से सजा लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं 1 सप्ताह में वापस लौट कर आऊंगा। सही वाक्य क्या है? मैं 1 सप्ताह में वापस आऊंगा। सड़क में बहुत भीड़ है। सड़क पर बहुत भीड़ है। सड़क में अंदर तो नहीं है ना जी, सड़क के ऊपर ही है। सड़क पर बहुत भीड़ है। तो इस तरह आपने देखा, कहीं लिंग संबंधी अशुद्धियां होती है तो वचन के कारण भी होती है, सर्वनाम के कारण भी होती है, इसके बाद अर्थ के संबंधी अशुद्धियां भी होती है, कारक संबंधी अशुद्धियां भी होती है। तो इस तरह हमें वाक्य को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हमें देखना है कि यह अशुद्धि किस कारण वश हुई है और उसे सुधार कर लिखना वाक्य संशोधन कहलाता है। क्लियर?